ये हो गए, मैं इन लोगों के पीछे जान देता हूँ। मैंने इनको कहा कसम से आप जान मांगे मैं जान दे दूंगा आपको, आप जिधर कहें मैं उधर खड़ा हूँ। मैंने इनको बोला है जफर साहब को, इनके कुछ चंद सिर्फ इन्होंने मेरे साथ ऐसे किए हैं कि मैं इनको दिल से समझ गया। मैंने कहा ये बंदे बहुत ही नाइस है। अभी इन्होंने मेरे करण कैसर साहब ने बुलाया ना कि तुम गाड़ी लेके आओ और गाड़ी लेके ना इधर पहुंचो, रवाद से आगे आओगे तो आगे लेफ्ट रोड पे अंदर रोड आती है और उधर आगे आओगे। इन्होंने मुझे एड्रेस समझाया ना, वो बड़ा आगे वीराना सा आगे है, इन्होंने वो थोड़ा सा मुझे थोड़ा सा आउट भी ले गए हैं। मैं गाड़ी ने लेके चला गया हूँ, आई मैं लेके वहाँ पे पहुँचा ना, तो इन्होंने फिर मुझे कॉल किया। मैंने कहा किधर? मैंने कहा वो जिस चौक में आप कह रहे थे मैं वहाँ पे खड़ा हूँ। कहते हैं उस चौक से ना लेफ्ट साइड पे आगे आओ, आते आओगे तो मैं आगे बिल्कुल उधर साथ ही खेत हैं उनमें खड़ा होगा। मैंने कहा ठीक है, उधर लाइटिंग भी लगी हुई है। मैं जब आगे लेफ्ट साइड पर आता गया हूँ आता गया हूँ, जब मैं उधर स्टॉप पर रुका हूँ, बड़े लोग दाएँ बाएँ ना ऐसे आके मुझे हैरत से देखे कि ये कौन है बंदा। और वो इस तरह का था ना जैसे वो लुगा सा एरिया था ना, जैसे डकैतियों वाला एरिया नहीं होता, बिल्कुल कोई बंदा जैसे कि उसके बाद आधे घंटे के बाद इधर से गाड़ियां नहीं मिलती होती हैं, कुछ जगह ऐसी होती हैं, वो इस टाइप की जगह थी। मैंने खैर गाड़ी लॉक की हुई थी, मैं उधर जब रुका हूँ तो मैंने फिर वहाँ से निकला हूँ आगे उनकी तरफ। तो जू मैं गया हूँ तो आगे करण कैसर साहब ना मैं जू रोड के साथ ऐसे करूँ, उन्होंने मुझे दूर से ऐसे आते लाया। मैंने गाड़ी अंदर की है, जब अंदर की है ना आगे गया हूँ तो करण कैसर साहब थ्री पीस सूट पहन के खड़े हैं ना, और इनके साथ इनके रिश्तेदार सारे खड़े हैं, इनका ससुराल भी उधर खड़ा है, इनके साले भी खड़े हैं और इनके रिश्तेदार आए हुए हैं बड़े, मतलब ये ना तो ऐसे खड़े हैं। मैं जूँ मैंने आई एस लगाई है तो इन्होंने इनके सब बंद रिश्तेदार देखना शुरू हो गए कि भाई कर्नल कैसर साहब की गाड़ी आई है, दफ्तर की गाड़ी आई है, उसका इंतज़ार था ना। जब मैंने ऐसे गाड़ी उधर खेतों में लगाई है तो मैं उतरूँ, मैं तैयार होके गया हुआ था, मैं भी सही कपड़े शपड़े, मुझे पता था शादी है तो मैंने कहा यह गलत बात है। जब मैं उतरा हूँ कसम से ऐसे गया हूँ, मैंने ऐसे कर्नल कैसर साहब की तरफ हाथ किया, कर्नल कैसर साहब ने मुझे छाती के साथ लगा दिया। मैं हैरान हो गया हूँ, मैंने कहा देखें इनका मिलने का अंदाज मैंने देख के मैं बहुत खुश हूँ ना लगा के। कहते हैं एकदम फिर मुझे कहते हैं हाँ भाई इसको अंदर बैठाओ ना, चाय इसके लिए और मिठाई और ये। अच्छा वो इनका दस्ती मुझे अंदर बैठाया, चाय मिठाई लेके आ गए जी। अच्छा फिर इन्होंने मुझे वो इनके वो बंदा मुझे फिर जब गाड़ी लगाने का टाइम आया तो मेरी गाड़ी में काफ़ी औरतें बैठ गई हैं, सारी मैंने लगाई वहाँ से बैठे हैं तो बारात के साथ मुझे कहते हैं तुमने गाड़ी चलानी है तो वो लेके जानी है शादी हाल पे कानपुर पे। मैं उधर लेके जब गया हूँ उधर मैं पहुँचाऊँगा तो उस शादी हाल का मुझे पहले भी पता था, मैं अपने फैमिलियों के साथ गया हूँ। मैंने उधर जाके गाड़ी नीचे पार्किंग में जो लगाई है तो कर्नल साहब की फ़ौरन मुझे कॉल आ गई है। अब कर्नल साहब के सर सारी जिम्मेवारियाँ उस शादी की थी, सारे खर्चा ये कर रहे थे मुझे पता चला था। अच्छा इनके रिश्तेदार मुझे बता रहे थे। अच्छा। तो ये कर्नल साहब इस साले की शादी वगैरह कर रहे हैं सब कुछ। अच्छा अच्छा जब ना वो मैं किया है मैंने इसका नाम है, जब मैंने गाड़ी जूं लगाई है तो कर्नल कैसर साहब की फ़ौरन मुझे कॉल आ गई है। कहते हैं अब इतनी गाड़ियों के बाद कर्नल कैसर साहब को मेरी याद पड़ी हुई है कि भाई मेरा ड्राइवर है साथ। अच्छा। मुझे कहते हैं वही गाड़ी लगा के अंदर आओ, शाबाश अंदर आओ अंदर। मैं अंदर फिर आया हूँ जाके एक टेबल पे मैं बैठ गया हूँ ना। अच्छा। इनके मेहमान बैठे हुए इनके साथ में ही बैठ गया हूँ। अच्छा। मतलब सारे आए तो देहाती टाइप थे वो सारे, मैं भी उनके साथ बैठा। फिर जब मैं खाना भी खा चुका हूँ फिर मेरे से पूछते हैं खाना सही खाया कि नहीं खाया, मैंने कहा खाना खा लिया। अच्छा फिर मैं वापस जब ना रात के तकरीबन उधर 12 बज गए और रात के ना उठे नहीं है वापस। अच्छा मैं 12:15 जब हुए ना इन्होंने फिर कहा कि चलो भाई अभी तो ये दुल्हन लेके थोड़े लेट निकलेंगे, चलो ये गाड़ियाँ हम घर भेज देते हैं, मेरे वाले भी और एक दो भेजी हैं। जब उधर जाके मैंने इनको सबको उतारा है ना तो कर्नल साहब पीछे ही थे, कर्नल साहब ने इनको बता दिया कि भाई इसको जाके पूछना चाहे शायद मुझे। फिर वो कहते हैं जी आज रात को इधर ही आप रह जाएं जी, आप हमारे पास ही रह जाएं। अच्छा बैठे ना चाय तो पी के जाएंगे, चाय पी के जाए। मैंने कहा नहीं नहीं बहुत शुक्रिया बस चाय होगी या कोई मसला नहीं है। कहते हैं आज रात को इधर ही रह जाते हमारे पास। मैंने कहा नहीं नहीं बस बड़ी मेहरबानी। मैंने गाड़ी वहाँ से निकाल लिया, मैंने कहा दफ्तर पहुँचूँ स्पीडो स्पीड क्योंकि खाली अकेला ही था। सही इनका ये किधर है जो होटल होती है ये किस जगह है? ये शादी हाल तो काकपुल था। अच्छा लेकिन वो आगे रवात वाली साइड पे एक गुजर खान साइड से आगे लेफ्ट साइड पे एक अंदर रोड मुड़ती है उसके ऊपर था वो। मैं अभी खुद अभी मैं सोच रहा हूँ मैं किधर गया था, फिर मैं सोचता हूँ। अच्छा तो
وہاں ان کا دیہات ہے نا ان کا مطلب گاؤں ٹائپ ہے وہ بالکل اس طرح ہے تو پھر یہ انہوں نے کیا کیا ہے اگلا دن گزرا ہے مجھے یہ کہتے ہیں فون پہ کہتے ہیں وحید میں تمہیں انشاءاللہ ویسے بھی خوش کروں گا میں نے کہا سر کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے میں تابع دار ہوں ویسے بھی میں سر میں میں نے کہا ایسی کوئی بات نہیں ہے میں ان کو یہ کہہ رہا ہوں آگے سے میں کہہ رہا ہوں نہیں سر کوئی مسئلہ ہی نہیں میں ویسے تابع دار ہوں کوئی مسئلہ ہی نہیں سر کیا ہو گیا ہے میں آگے سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ نہ سوچیں کہ بھائی میں اس کو میری ٹینشن آپ نہ لیں میں دیکھ رہا ہوں کہ میری ٹینشن لے رہے ہیں جب نا یہ اگلا دن دو دن گزرے نا ان کی چھٹی پوری ہوئی ہے ادھر آئے ہیں آئے ہیں تو سب سے پہلے کہتے ہیں وحید کو بلاؤ ادھر اچھا جب بلایا نا میں دفتر میں جوں پہنچاؤں تو میں نے ان کا ایک تو میں نے اس ایک بچے کی وہ رہ گئی تھی بیچ میں گانے سننے والی تار نہیں ہوتی وہ میں نے سیو کر لی تھی رات کو اندھیرا تھا مجھے پتہ نہیں چلا میں نے کہا وہ بھی میں نے پاس رکھ لی ہوتی تھی میں نے کہا یہ کرنل صاحب کو میں دوں گا جب دفتر میں جائیں گے تو کیونکہ اس نے مراج تھی پتہ ہی نہیں چلا تو میں نے بھی بعد میں دیکھا کہ ساتھ لگی ہوئی ہے تو گانے سنتے رہے نا اچھا